यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड के लक्षण क्या हैं? यूरिक एसिड होता कैसे है? हम अक्सर सुनते हैं कि किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है, पर बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि असल में यूरिक एसिड क्या है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूरिक एसिड क्या है। असल में यूरिक एसिड एक तरह का एक एसिड है। यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में तब बनता है जब शरीर प्यूरिन नामक केमिकल का संसाधन करता है, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। प्यूरिन केमिकल हमारे शरीर में बनते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। यूरिक एसिड प्यूरिन के टूटने से बनता है जो खून के माध्यम से बहता हुआ हमारी किडनी तक पहुंचता है। यूरिक एसिड शरीर से बाहर पेशाब के रूप में निकल जाता है, लेकिन कभी कभार यूरिक एसिड शरीर में ही रह जाता है और इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसा होना शरीर के लिए घातक होता है। इस क्रिया में बना हुआ यूरिक एसिड रक्त में मिल जाता है और हमारी किडनीज तक पहुंच जाता है। हमारी किडनीज रक्त से इस केमिकल को छान लेते हैं और पेशाब द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं। आजकल का खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई डायबिटीज के मरीज हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना तय है, क्योंकि डायबिटीज की दवाओं से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी और चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। खाने के रूप में लिया जाने वाला प्यूरिन प्रोटीन भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है। जो लोग व्रत रखते हैं उनमें भी अस्थायी रूप से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। जबरदस्ती एक्सरसाइज करना या फिर वजन कम करने के चक्कर में कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाएं, पेन किलर्स और कैंसर रोधी दवाएं खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो आइए नजर डालते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षणों पर। पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, एड़ियों में दर्द महसूस होने के अलावा इसमें गांठों में सूजन भी हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा देर तक बैठना या उठने पर एड़ियों में दर्द होता है। कई बार ये दर्द बहुत ज्यादा और असहनीय हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षणों में शुगर लेवल का बढ़ना बहुत ही ज्यादा सामान्य है। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप दिन में भरपूर मात्रा में पानी पिएं। असल में पानी यूरिक एसिड को पतला करने में बहुत मदद करता है और हमारी किडनी को एक्टिव रखता है। सेब का सिरका शरीर से यूरिक एसिड को कम करने में मददगार है। सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये शरीर में यूरिक एसिड को नियंत्रित रखने का काम करते हैं। जैतून यानी ऑलिव ऑयल बेहद काम की चीज है। आपको बता दें कि अपने खाने में यदि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैतून के तेल में विटामिन ई काफी मात्रा में पाया जाता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मददगार साबित होता है। तो ये थी यूरिक एसिड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो करें डेली हेल्थ।